बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स ग्रेड वन यूनिट नंबर फाइव एंड यूनिट फाइव इज अबाउट टाइम टुडे आवर टॉपिक इज रीड टाइम फ्रॉम डिजिटल क्लॉक तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा के प्रीवियस लेक्चर में भी हमने टाइम के बारे में पढ़ा था लेकिन तब हमने सीखा था एनालॉग एनालॉग क्लॉक से तो इसका मतलब है क्लॉक और होती है और डिजिटल क्लॉक और होती है अब फर्क क्या है एनालॉग क्लॉक आपके पास इस तरह सर्कल की शक्ल में आती है और इसके अंदर इस तरीके से ये नंबर्स लिखे होते हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व और इसमें दो हैंड होते हैं एक हैंड होता है लॉन्ग वाला और एक होता है शॉर्ट वाला और शॉर्ट वाला जो हैंड होता है वो आपको आर्स बता रहा होता है लॉन्ग वाला हैंड जो होता है वो आपको मिनट्स बता रहा होता है अब डिजिटल क्लॉक क्या होता है डिजिटल क्लॉक भी बेसिकली टाइम रीडिंग के लिए ही यूज होती है लेकिन ये कुछ इस तरह की होती है इसमें डिजिट्स शो हो रहे होते हैं ये देख रहे हो ये नंबर्स इन इसी वजह से इसे डिजिटल क्लॉक कहा जाता है लेकिन ये जो इसमें से ये जो पहले वाले दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना ये हमें के बारे में बताते हैं और ये जो दूसरे वाले दो नंबर्स होते हैं ये हमें मिनट्स के बारे में बताते हैं और जब ये इधर जीरो जीरो हो ना इसका मतलब है यहां पर पूरा घंटा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि हमने उसमें देखा था कि जब बड़े वाली सुई यानी लॉन्ग हैंड जो है वो ट्वेल्थ पर होती है इसका मतलब है कंप्लीट हो गया है टाइम यानी पूरा आर कंप्लीट हो गया और हम उसको फोर ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक पढ़ते थे मिनट्स उसमें इस्तेमाल नहीं करते थे इसी तरीके से डिजिटल क्लॉक में भी जब यहाँ पे जीरो हो रहा हो ना इसका मतलब है ये पूरा घंटा है यानी टू है तो इसका मतलब दो घंटे हो गए टू ओ क्लॉक इसको कैसे रीड करेंगे इट इज टू ओ क्लॉक ठीक है तो इस तरह की जो घड़ी होती है उसे हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं इसमें कोई भी हैंड नहीं होता उसमें आपके पास टू हैंड होते थे ना इसमें क्योंकि डिजिट्स होते हैं इसी वजह से तो इसे डिजिटल क्लॉक कहा जाता है अब देखें इस डिजिटल क्लॉक में आप टाइम देखें क्या हुआ है टेन है ना तो इट्स मीन ये देखो टेन है ना पहले टू डिजिट पे मीन इट्स टेन ओ क्लॉक ठीक है इसी तरीके से आर्थ वाले नंबर देखो ये डिजिट्स कौन से हैं जीरो फाइव इट शोज फाइव ओ क्लॉक बात समझ आ रही है इसका मतलब है अब टाइम रीडिंग आपको आ गई है और आपने ये भी देखा कि डिजिटल क्लॉक तो बड़ी आसान है भाई उधर तो हमें हैंड्स को देखने में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती थी ना इधर तो भाई नंबर लिखे हुए हैं ये तो बहुत आसान तरीका कार है टाइम देखने का अब इसी तरीके से टाइम लिखना है एनालॉग क्लॉक से देखकर भाई देखो रीड द टाइम फ्रॉम एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन द डिजिटल क्लॉक ये देखो क्या है शॉर्ट एंड वन पे है और लॉन्ग एंड ट्वेल्व पे है पता चला वन ओ क्लॉक है ना

तो इसलिए आपने उसकी जगह पे डबल जीरो लगा देना है इसी तरीके से ये शॉर्ट हैंड कहां पर है सेवन पर और लॉन्ग हैंड कहां पर है ट्वेल्व पर इसका मतलब सात बज गए हैं सेवन ओ क्लॉक है तो डिजिटल में जीरो सेवन लिखते हैं और उसके बाद टू जीरो जी लगा दिए प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम एनालॉग क्लॉक से भी टाइम रीड कर सकते हैं और डिजिटल क्लॉक से भी टाइम रीड कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं ये अब आपने मेरे साथ सॉल्व करने हैं और कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा अब देखें ये छोटे वाली जो सुई है यानी शॉर्ट हैंड ट्वेल्थ पे है लॉन्ग हैंड भी ट्वेल्थ पे है इसका मतलब क्या हुआ है जल्दी से बताएं इसका मतलब है ट्वेल्व ओ ऐसा ही है ना तो ट्वेल्व ओ को डिजिट्स में लिखोगे तो क्या होगा ट्वेल्व एज इट इज और टू जीरो अब अगर इधर देखो शॉर्ट हैंड किस पर है इलेवन पर तो ये आवर्स वाले हैं तरफ आपने इलेवन लिख दिया अब पूरा ट्वेल्व है ट्वेल्व पर सुई है इसका मतलब है ओ क्लॉक तो डिजिटल फॉर्म में से ऐसे लिखेंगे इसी तरीके से अगर ये वाला देखो तो शॉर्ट एंड थ्री पर है लॉन्ग एंड ट्वेल्व पर इसका मतलब थ्री ओ क्लॉक तो डिजिटल फॉर्म में से लिखेंगे जीरो थ्री डबल जीरो बात समझ आ रही है इसी तरीके से अब ये वाली जो प्रैक्टिस सेक्शन है ये मैं आप खुद करें यानी एनालॉग क्लॉक से टाइम रीड करते जाएं और डिजिटल फॉर्म में इसको नीचे लिख दें क्योंकि तो ये नाइन पे सुई आ गई है इसका मतलब है नाइन ओ क्लॉक बात समझ आ रही है इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये आपने ज़रूर सोल्व करनी है तो आपने एक और काम करना है आपने घरों में टाइम देखने की कोशिश करनी है कि जब कभी आप स्कूल के लिए निकलते हैं या खेलने के लिए कहीं जाते हैं या दुकान पर कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपने टाइम नोट करना है कि आप किस वक्त निकले हैं और कितनी देर लगी ये आपको बाहर से आते हुए ये वैसे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ये एक्टिविटी ये आपने अपने घरों में परफॉर्म करनी है तो कह रहे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आपने डिजिटल क्लॉक के बारे में सीखा और इसमें हमने टाइम भी रीड किया फिर हमने प्रैक्टिस सेक्शन के जो क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड वो भी सॉल्व किए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़